नमस्कार, मेहमान NBCN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा था। आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाला कैसे एक सब्जी वाली की सारी सब्जियां रास्ते में फेंक रहा था। क्या वो सब्जी वाली लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही थी या नहीं कर रही थी, जब NBCN की टीम ने इसकी जाँच पड़ताल की तो सामने कुछ और ही आया। वो महिला सारे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही थी। सुबह 9:30 बजे की ये बात है, जबकि सरकार ने हमें 11 बजे तक अनुमति दी है किराने की दुकान खोलने की और सब्जी की दुकान खोलने की। लेकिन सुबह 9:30 बजे पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और उन्होंने सारे सब्जी वालों को सब्जी बंद करने के लिए आदेश दिया। वो महिला 40% तक अपंग थी, वो धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी से उतरकर सारी सब्जियां रास्ते पर फेंक दी। और आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सारी इंसानियत शर्मसार होते हुए नजर आ रही है। पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं सोचा और सारी सब्जी और उसकी मेहनत को रास्ते पर फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि हर पुलिस वाले बड़े ही गुस्से या कड़क होते हैं, कुछ पुलिस वाले बड़े ही दयालु और प्यारे भी होते हैं। आप देख सकते हैं 7-स्टार हॉस्पिटल के सामने कुछ पुलिस वाले उन लोगों का चालान काट रहे हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह वो चालान काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक उन्हीं के सामने दारू की शराब की दुकान खुली हुई है और वहाँ पर भारी भीड़ भी है। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन पुलिस वालों की उन पर नज़र नहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कितने दयालु है, जहां लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर भी शराब की दुकान पर कोई भी चालान नहीं कटा और ना ही वहां जो लोग बिना मास्क के शराब खरीद रहे थे उन पर कोई चालान कटा है। ये पुलिस वाले कितने दयालु है और एक पुलिस वाले कितना कड़क है, ये हमारे सामने आया है। एक महिला जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही थी, सुबह 9:30 बजे उनकी सारी सब्जियों को रास्ते पर फेंक दिया गया। और एक शराब की दुकान जो शाम को 5:30 बजे भी खुली हुई थी और वहां पर भीड़ भी जमा थी और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना था, लेकिन कोई भी पुलिस वाले ने जाकर वहां पर कोई भी तरह का चालान नहीं काटा। आप खुद ही सोचिए कि कौन सी दुकान खोलना चाहिए और कौन सी दुकान नहीं खोलना चाहिए। अगर आप सब्जी की दुकान खोलते हो और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हो तो पुलिस वाले आपकी दुकान को रास्ते पर लाकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप शराब की दुकान खोलते हो और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हो फिर भी पुलिस वाले आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। शहर वाले बड़ी ही दुविधा में है कौन सी दुकान खोली जाए और कौन सी दुकान नहीं खोली जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पुलिस वाला यहाँ पर गलत होता है। हमें अच्छी से याद है जब COVID-19 शहर में बुरी तरह फैल रहा था, तब यही पुलिस वाले सबसे सामने खड़े होकर हमारी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमने ही बालकनी में खड़े होकर इन सब के लिए जोर जोर से ताली बजाई थी। हम ये नहीं कह रहे कि हर पुलिस वाला गलत होता है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों के वजह से इंसानियत शर्मसार होती है। मैं मान NBCN न्यूज़ के लिए।